नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन सर जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। ये ग्राउंड है और ग्राउंड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो कि आप यदि PTI या किसी भी वैकेंसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका माप स्टार्ट करते हैं। इसकी लंबाई होती है, जो ये टोटल होती है वो 91.04 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 55 मीटर होती है ये वाली। और जो ये पोल गोल के लिए रहता है, इसका माप रहता है 3.066 मीटर होता है, ये इसका माप रहेगा। जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा गोलाई के लिए, तो ये रहेगा 14.63 मीटर रहेगा, ये टोटल रहेगा। और ये जो यहाँ से लेके लाइन अटैक लाइन तक रहेगा ये वाला, ये रहेगा 22.9 मीटर। और ये अपनी लाइन रहेगी ना वो 23 मीटर रहेगी, 23 मीटर ये सेंटर लाइन आ गई। और ये सेम रहेगा दोनों तरफ, सेम रहेगा। इसमें एक कोट रहेगा, ये हाफ रहेगा, हाफ जिस तरफ समान दूरी रहेगी दूसरी तरफ भी हुई, कोई भी कौन सा भी मैदान हो समान ही दूरी रहती है दोनों ग्राउंडों के अंदर। और आगे चलते हैं, कुल खिलाड़ी होते हैं 16, जिनमें से 10 प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर रहते हैं और एक पोल पर रहता है, गोलकीपर रहेगा। 10 प्लेयर रहेंगे प्लस एक गोलकीपर रहेगा। और बॉल का वजन रहेगा जो 156 से 163 ग्राम का होगा, जो कि किसी आती है गेंद उसका वजन 156 से 163 के बीच के अंदर रहेगा, इनसे 156 से 163 के बीच में ही रहेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। इसकी परिधि होती है 22.4 मीटर या 23.5, ये सेमी के अंदर होती है, सेमी 22.4 से 23.5 सेमी रहेगी। और हॉकी की भार रहेगा, स्टिक्स का भार रहेगा जो 23 से लेकर 28 ओस रहेगा, ओस है ना। और इसकी लंबाई रहेगी 36 से 38 इंच रहती है, ये स्टिक्स आ गई। इसका मैप बनाया गया है आपको समझाने के माध्यम से। और ये इसकी चौड़ाई है 2 इंच आ गई, और यहाँ से लेके ये दूरी, यहाँ से ये घूम के आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ये टोटल 110 से लेकर 124 mm होता है, मिलीमीटर में होता है। और ये जो हॉकी की स्टिक्स की टोटल लंबाई होगी, ये लंबाई 36 से 38 इंच के बीच के अंदर होगी, 36 होगी या 37 होगी या 38 होगी, तीनों के अंदर के बीच में होगी। और जो स्टिक्स का पकड़ने का होता है, जो बोलते हैं ग्रिप, जो प्लेयर्स खेलेंगे उस समय ग्रिप मजबूत रहती है, ये होती है 30.05 मीटर से 35.06 इंच होती है, सेमी होती है। ये टोटल आज हॉकी ग्राउंड के बारे में बताया गया है। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। ये एक खेलते समय एक घटना हुई थी जिस कारण से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना गया। एक मैच चल रहा था, इसके अंदर ये पोल्स होते हैं, ये पोल अपनी जगह थे, इन्होंने यहाँ से शॉट मारा तो ये पोल के निकलने, मतलब ये पोल आ गया, दोनों पोल है ठीक है, इस पोल के पास से निकल गई, तो इसने अपील किया कि ये पोल अंदर है, तो इनको ओलंपिक में माफ किया, तो पोल है ना जो अंदर ही थे वो तो नापने के अंदर बाहर आएगा, गेंद अंदर रही पोल बाहर, यानी दूरी कम थी तो दूरी बढ़ाई गई, तो ये गोल माना गया। और इसी के दिन से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष में मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो अपने भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में लाएंगे कि हॉकी के बारे में, कि हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफियां होती है, कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं। जब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।